को दुनिया के नक्शे पे लाने में, इस सरजमीन को शानदार तरीके से बिल्ड करने में, आप सबके फेवरेट 100% बिलाल बशीर मलिक साहब जो कहते हैं कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा दायां बाजू है, मेरे वजूद का हिस्सा है, कंट्री हेड है, BSN डेवलपर्स के कोई और नहीं जरूर महसूद साहब। तादाद में दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, गुल खान से, इस्लामाबाद से और पंजाब के काफ़ी हिस्सों से रियल एस्टेट कम्युनिटी के दोस्तों ने पार्टिसिपेशन यहाँ पे की है हमारे प्रोग्राम में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे गुलाब साहब की तरफ से। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप सब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैकडॉनल्ड्स की आज रेस्ट मीटिंग है, जितनी भी मैकडॉनल्ड्स टीम की जो डिग्निटरीज यहाँ पे मौजूद हैं हम उनके बहुत मशहूर हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने न्यू मेट्रो सिटी गुल खान को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी एक फूड टीम को यहाँ पे होस्ट करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुल खान को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट जिसका 3D गार्डन आप सब ने देखा है वो यहाँ पे बनेगा। 80 डेज का टाइम है इंशाल्लाह और मैं समझता हूँ कि इस पूरे रीजन के लिए जितने भी ट्रेवल्स हैं अराउंड 70,000 to 80,000 गाड़ियाँ डेली हमारे गेट 1 और गेट 2 के सामने से गुजरती है मेन GT रोड पे, तो उनके लिए इट्स अ मेजर अट्रैक्शन। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, जो इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, लगभग 200 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर ये वाहिद ब्रांच है मैकडॉनल्ड्स की और इस 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपका पूरा गुल खान, सुहावा, दीना, चकवाल, आज़ाद कश्मीर के काफ़ी एरियाज, लगभग 10 से 20 मिलियन लोगों की बेल्ट है ये, जिनके फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट स्पॉट उनकी फैमिलीज के लिए, उनके बच्चों के लिए ये बनेगी। तो आप देखेंगे कि जो रौनक मेट्रो सिटी गुल खान में लगाने की कोशिश की है अभी तक उसमें हमारी मदद मैकडॉनल्ड्स भी करेगा। अगेन मैकडॉनल्ड्स का बहुत मशहूर है कि इस जर्नी में वो हमारा इसमें साथ दे रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात, हमारी डेवलपमेंट टीम की मेहनत है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है, दिन रात मेहनत है, कहना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है। आप सब जानते हैं ज़िंदगी में सब ने जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं कभी ना कभी आप सब ने अपने घर ज़रूर तामीर करवाए होंगे, 3 मरले से लेकर कई किनारों तक का मकान बनाना हो तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत इसमें लगती है और लोगों का अक्सर यही कहना होता है कि सारे काम आसान है, घर तामीर करवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो हज़ारों घरों के लिए सोसाइटी की डेवलपमेंट करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, हमारी टीम है जिनकी मेहनत है जिसकी वजह से ये चीज़ मुमकिन हो रही है और इस टाइम फ्रेम के अंदर मुमकिन हो गई है। ये वाकई रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है जो हम अचीव कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड सेट है जो पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री को रिवाइव करेगा। पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री का रिवाइवल कॉन्फिडेंस के साथ है, नो डाउट मुल्की हालात में वो चीज़ प्रॉब्लम है, लेकिन आप इस चीज़ की जितने भी हमारे रियल स्टेट कम्युनिटी के दोस्त हैं यहाँ मौजूद हैं और जितने भी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का एक मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आम आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकता है फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स, अपने फ्यूचर के लिए, और कोई एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं मौजूद जहाँ पर आप अपने फ्यूचर को, अपने सरमाए को रियल स्टेट के अलावा महफूज कर सकें। जो कमी थी वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की थी एक अच्छे डेवलपर की, जो मुनासिब कीमत में अच्छा डेवलपर आपको अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके जिस पे आप अपने बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर करवा सकें, वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मेट्रो सिटी ने प्रोवाइड की है
हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में और ये हमारा आगाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह तीन और शहर हैं हमारे जो 2024 और 2025 में न्यू मेट्रो सिटी वहाँ पे जाएगा पाकिस्तान के बड़े शहरों में। हमारी एक जर्नी है, कमिटमेंट है जिसको लेके हम चल रहे हैं। रियल एस्टेट कम्युनिटी के हमारे सेल्स पार्टनर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबको यही बात कहना चाहूँगा कि हम एक कोशिश कर रहे हैं, मैं मेरी टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बिजनेस मॉडल है जिसको हम लेके चल रहे हैं, जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे बड़े लेवल पे कर रहे हैं, मीडियोकर या छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हम उनको साथ चलाएं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें। शहरयार साहब ने बड़ी अच्छी एक अनाउंसमेंट की है जो दबे लफ्जों में उन्होंने की है, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट मार्केट साइट ऑफिस की डेवलप हो रही है। 80 ऑफिस जिसमें से लगभग 30 से 35 ऑफिस हमारे ऑक्यूपाइड हैं, 45+ ऑफिस अंडर कंस्ट्रक्शन है। अनफॉर्चुनेटली 45 ऑफिस में 150 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे साथ पास मौजूद हैं इस वक्त, जिसमें से हमें स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं शहरयार साहब ने मेरे से कमिटमेंट लिया है कि आप मुझे 300 ऑफिस यहाँ पे तैयार करवा के दें, काफ़ी दोस्त हैं। तो अगेन पेंटी इस्लामाबाद से हमारे रियल एस्टेट कम्युनिटी के दोस्त हैं कि आप यहाँ पे अपने ऑफिस शहरयार साहब के पास आए, रीत साहब के पास आए, डॉक साहब के पास आए, एप्लीकेशन दें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डिटेल कर सकें, अपनी ब्रांचेस यहाँ पे ऑपरेशनल करें। जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे स्टेपन करना पड़ेगा अगर रोजगार कमाना है। अगर बीएसएम डेवलपर्स लाहौर से बेस्ड ब्रांड है, लाहौर का, मैं खुद लाहौर से हूँ, अगर हमें पोटेंशियल गुल खान में नजर आए तो लाहौर से हम यहाँ पे आए हैं, और भी शहरों में जा रहे हैं। तो जहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे एफर्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे ऑफिस आप खोलें। जितना बड़ा फुटफॉल पाकिस्तान रियल एस्टेट की हिस्ट्री में किसी डेवलपर ने क्रिएट नहीं किया, नवंबर तक वो मेट्रो सिटी क्रिएट कर लेगा। महाना 2 लाख, महाना ग्रो पार्क की वजह से और मैकडोनल्ड की वजह से 2 लाख विजिटर्स जो हैं फैमिलीज यहाँ पे आया करेंगी। और इंशाल्लाह जो यहाँ पे गुजर खान में आएगा एक दफ़ा, तो वो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ वो यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का माहौल देखकर प्लॉट लिए बगैर वापस नहीं जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो लिहाजा मुश्किल है मुल्की हालात के, इकोनॉमिक हालात के बावजूद एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रोज़गार अगर मेट्रो सिटी ने, अल्लाह ताला ने हमें मौका फराहम किया, तो हम इसके बहुत मशहूर हैं कि हम ये एफर्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हर कोई अपना रोल प्ले करे। मैंने पिछली दफ़ा भी एक फंक्शन में बात की थी कि पाकिस्तान डेफिनेटली जो हमारी फॉरेन डेट है या फॉरेन रिजर्व्स के इशू है, बिलियन ऑफ यूएस डॉलर जो गालबा 300 अरब बनता है, जिसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। सिर्फ मेट्रो सिटी गुजर खान का टोटल डेवलपमेंट बजट जो हमारा नक्शा देख चुके हैं वो 300 से 400 अरब रुपए की डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ पर टोटल होनी है। तो इमेजिन करें कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट में की जा रही है। इसी तरह अगर और भी रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोशन दी जाए अच्छे डेवलपर्स को ऑनबोर्ड करके, जो आप देखेंगे कि खाली रियल एस्टेट सेक्टर ही पाकिस्तान की पूरी एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो बन के मजीद सामने आ सकती है। अगेन आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है। इसके बाद अगेन मैं एक और भी अनाउंसमेंट करना चाहूँ, अभी मैंने ओपनिंग की है रिजवान कुरैशी की, जिन्होंने 1 लाख शायद बोला था स्टेज के ऊपर, और आप सब जो हैं काफ़ी मेहमान उनकी दावत पर आए हैं। उनकी आज ओपनिंग थी, बहुत मेहनती जो है वो कारकुन है मेट्रो सिटी के। और मेट्रो सिटी में बिलीव करें कोई किसी किस्म की, हमारे जितने भी डीलर्स हजरात हैं जो मेरा सुन भी